लैपटॉप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे लैपटॉप्स बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कंफ्यूज हो सकते हो आपकी कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। बजट फैक्टर है, तो 20,000 से लेकर के 50,000 और इनफैक्ट थोड़ा ऊपर भी अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है मैं दूर कर सकता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है, सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबाना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आगे बढ़ने के लिए लाइक का बटन जो है ना वही दबाने पे आगे बढ़ते हैं, लाइक का बटन दबाइए। एंड जितने भी लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेस कीजिए। 20,000 के अंदर आपको बहुत सारे क्रोमबुक देखने के लिए मिलेंगे। क्रोमबुक मैं स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मना कर दूंगा, बिकॉज क्रोमबुक जो होते हैं वो बहुत कम अपग्रेड होते हैं। इनफैक्ट मैं क्रोमबुक के बारे में ये कह सकता हूँ कि आपके मोबाइल में ज़्यादा फीचर होते हैं, क्रोमबुक में कम फीचर होते हैं। तो क्रोमबुक जो है आप तब लीजिए अगर डेटा एंट्री सिर्फ काम है या वेब सर्फिंग एक काम है, मतलब अगर स्पेसिफिक टास्क है तब क्रोमबुक के लिए जाइए, अदरवाइज मैं बिल्कुल मना करूंगा। नीचे मैं आपको दो क्रोमबुक की लिंक दे दूंगा जो 18,000 में आ जाएंगे, अच्छे ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम बजट में कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। 24,000 के अंदर आपको लिनोवो का एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप मिल जाता है। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, और ऑफकोर्स लैपटॉप और डेस्कटॉप में यही फर्क है ना कि लैपटॉप मोबाइल होता है, पोर्टेबल होता है, तो अगर आपको पोर्टेबल चाहिए, थोड़ा लाइट वेट चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, तो ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये 11.6 इंच का आता है। ये इसकी खूबी है कि बहुत कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, ड्यूल कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम एंड SSD ड्राइव के साथ आ जाता है, सारे ही पर्पस बहुत अच्छे से पूरा कर देगा। बट यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत छोटा लैपटॉप है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा बजट बढ़ाइए एंड Asus VivoBook 15 के साथ जाइए। 15.6 इंच का ये लैपटॉप है, नंबर पैड के साथ आ जाता है, तो यानी अकाउंट्स वगैरह का जो काम है, मतलब ऑफिशियल वर्क्स जो है वो भी फटाफट हो जाएंगे एंड घर पे यानी बड़े डिस्प्ले के साथ आप थोड़ा एंटरटेनिंग भी रह सकते हैं। तो अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिल जाता है 27,000 के अंदर, ये बहुत अच्छा लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये लैपटॉप जो है वो 30,000 के अंदर बहुत अच्छे रहेंगे, बट अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो Redmi Book 15 कोर i3 के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है 33,000 के अंदर। ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आप 40,000 के अंदर इसका जो कंपटीशन है वो जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है, इधर उधर और कोई ब्रांड के लिए मत जाइए, Redmi Book 15 के लिए जाइए, सारी ही चीजें बहुत अच्छी है। मान लो कि आपको Redmi Book के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप Asus VivoBook 14 के लिए जा सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 35,000 के अंदर आ जाता है, 14 इंच के डिस्प्ले के साथ आ जाता है। तो अगर आपको Redmi Book उतना पसंद नहीं है, डाउट लगता है आपको, तो आप Asus के इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, अदरवाइज Redmi के लिए जाइए। एंड अगर आपका बजट और ऊपर है, आप 38,000 के आसपास लेना चाहते हैं, तो HP 15S में आपको Ryzen 3 5300U मिल जाएगा जो i3 11 जनरेशन को आराम से कम्पीट कर सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लैपटॉप लेंगे तो Redmi से बहुत ज़्यादा सुपीरियर, नहीं, आप 5,000 रुपये बचाइए, Redmi Book के लिए जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। आप बोलेंगे बार बार मैं Redmi का नाम ले रहा हूँ, आगे भी लेने वाला हूँ, क्योंकि यार बजट में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप अननेसेसरी पैसे क्यों वेस्ट करो। स्टिल आपके पास ऑप्शन है, आप HP 15S के लिए जा सकते हो। अगेन 40,000 के अंदर Redmi बहुत अच्छा है, 40,000 के ऊपर भी Redmi बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि Redmi Book Pro आ जाता है i5 11 जनरेशन के साथ में 43,000 के अंदर। जितने भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी लिंक जरूर चेक कीजिए, बट साथ ही साथ उन लैपटॉप के नीचे उनके ऑफर्स देख लीजिए, हो सकता है आपके पास वो कार्ड हो और आपको और सस्ते पड़ जाए। Redmi Book Pro, इसमें विंडोज 11 आता है, अगर विंडोज 10 आएगा तो विंडोज 11 अपग्रेड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफिस 2019 के साथ ही आ जाता है, सारी चीज़ें इसमें परफेक्ट हैं और ये मेरे ऑफिस में यूज़ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। मुझे जो लगता है वो ये कि 15 इंच के लैपटॉप में आपको नंबर पैड मिलना चाहिए जो इसमें नहीं है, बट आपको उसकी वजह से जो कीबोर्ड की स्पेसिंग है ना वो बहुत अच्छी मिलती है, तो टाइपिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 43,000 में ये नो डाउट बहुत अच्छा लैपटॉप है। इनफैक्ट मैं अगेन बोलूंगा 50,000 से अंदर अगर आपको लैपटॉप लेना है ना तो भी आप पैसे बचा करके इसके लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बजट है 47-48,000 रुपीज़ के आसपास का, तो आप HP 15S के लिए जाइए, Ryzen 5 5500U के साथ आ जाता है, 8GB 512GB एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, आपको 47,390 में देखने के लिए मिल जाता है। बट आपको मैं ये कहूँगा कि HP 15S लेना
आपके चॉइस के ऊपर है। पर्सनली मैं रेडमी के लिए चले जाता था, 5000 अगेन बचा लेता था। इसके ऊपर अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो अराउंड 49,000 में एसुस वीवो बुक 14 आ जाता है, जिसमें आपको हाइब्रिड ड्राइव मिल जाती है, मतलब 1 TB का हार्ड ड्राइव नॉर्मल मैकेनिकल एंड 256 GB का SSD। तो आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है। अब अगर आपका बजट 50,000 के ऊपर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 12th जनरेशन के लैपटॉप अब आना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल HP 15S का एक लैपटॉप है जो 57,390 का आ रहा है, जो कि आपको i5 12th जनरेशन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सुपीरियर लैपटॉप है ये, आप इसके लिए जा सकते हो अगर बजट आपका 57,000 के आसपास है। सिमिलरली Asus VivoBook 15 2022 का जो मॉडल है उसमें भी आपको i5 12th जनरेशन देखने के लिए मिलेगा। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये आपको 57,000 के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपको दूसरे भी ब्रांड जो है i5 12th जनरेशन 60,000 के अंदर देना शुरू कर देंगे। बट अगर आपको अभी लेना है तो ये दो लैपटॉप हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। या फिर आप एक अच्छे राइजन प्रोसेसर के साथ में एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अगर ऐड करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लैपटॉप मिल सकता है 50,000 to 60,000 के बीच में। जैसे Acer Aspire 7 है, राइजन 5 5500U मिल जाता है एंड आपको GTX 1650 की वजह से एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग इसमें बहुत सुपीरियर हो जाती है। तो ये आपको 55,000 के अंदर मिल जाता है। तो ये सारे लैपटॉप हैं जिसमें से मैं आराम से आपको कह सकता हूँ कि ट्राई कीजिए रेडमी के लैपटॉप के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। साइड बाय साइड टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए। लैपटॉप्स तो एक ही चीज़ है बट टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारे ऑफर्स आपको टेलीग्राम पे भी देखने के लिए मिलेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।